हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल हेल्दी फूड रेसिपी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको मशरूम बनाकर दिखाने वाली हूँ। देखिए, मैं आज इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मशरूम बरसात में मिलती है और आप जब भी मशरूम को लाएं जल्दी से इसे बना लें, वरना इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अब मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ। इसका ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये हाथों से ही टूट जाती है। तो मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। इसके ये वाला पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, देखिए ये हाथों से ही टूट जा रही है। इसे इस तरह हाथों से तोड़ लें। और इसका ये वाला जो हिस्सा होता है डायटी, ये थोड़ी सी टाइट होती है, इसे मैं छुरी से कट कर लूँगी। मैं पहले इसके ऊपर वाला हिस्सा को इस तरह से तोड़ लेती हूँ। और इसे इस तरह तोड़ने के बाद मैं इसे पानी में डुबो के रखूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए और ये ठीक से साफ हो जाए। मैंने मशरूम को काट लिया है और अब मैं इसे पानी पर डाल देती हूँ। इसे मैं 10 मिनट तक इसी तरह पानी में डुबो कर रखूँगी, जिससे इसकी जितनी भी मिट्टी है इसमें वो पानी के नीचे बैठ जाए। और आज मैं मशरूम को अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, इसमें मैं कच्चू ऐड करके बनाने वाली हूँ, जिससे मशरूम का जो फ्लेवर है वो कच्चू के अंदर आ जाएगी, जिससे ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। मैंने मशरूम को अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसमें जो लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे गोल मिर्च, जीरा, सूखा मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च और प्याज। तो अब मैं पहले मशरूम को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। गरम हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज को फ्राई करूंगी। ऑयल गरम हो चुकी है, ऑयल गरम हो चुकी है, तब मैं इसमें प्याज को डाल देती हूँ। इसे हल्के इस तरह चला लें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें। फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसे मैं 2 मिनट तक इस तरह से भून लेती हूँ। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें मशरूम को डाल देती हूँ और इसे चला लेती हूँ। इस तरह से चला लें और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ और 1 चम्मच हल्दी। इसे भी इस तरह से चला लें। और इसे मीडियम आंच में भूने, ताकि इसकी जो इसके अंदर से जो पानी निकलती है वो सूख जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए इसमें कितनी सारी पानी निकल गई है। तो जब तक इसकी पानी सूख ना जाए आप इसे भूनें। और अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चिकन की तरह लगेगी। मशरूम में जो पानी निकली हुई थी वो पूरी तरह से सूख चुकी है और ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, बंगाली में हम इसे छातू कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने मशरूम को निकाल लिया है
और कढ़ाई पर मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है और अब मैं कद्दू को फ्राई करूँगी। तो तेल गर्म हो चुकी है तो अब मैं इसमें दो सूखी मिर्च और तेज पत्ते डाल देती हूँ। इसे थोड़ा सा भूनिए। और अब मैं इसमें जो मैंने कद्दू काट के रखा हुआ था उसे डाल देती हूँ और इसे भी मिला लेती हूँ। अगर आपको कद्दू पसंद ना हो तो आप ना डालें, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी। और इसलिए ही मैं एक चम्मच नमक डाल देती हूँ और एक चम्मच हल्दी और इसे भी मैं 5 मिनट तक भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे मसालों को ऐड करूँगी तो ये हल्के ब्राउन हो जाए, तब तक आप इसे भून लें। कच्चू भून चुकी है और अब मैं इसमें मसालों को डाल देती हूँ जिसे मैंने पेस्ट करके रखा हुआ था और इसे मिला लेती हूँ। आप भी इसी तरह मिला लें और इसे 2 मिनट तक भूने। मसाले भून चुके हैं तो अब मैं इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, इससे इसका कलर और भी खिल के आएगा। और मैंने जो टमाटर काट के रखा हुआ था उसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसे मिला लेती हूँ। मैं इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने टमाटर के लिए दिया है जो मैंने बाद में डाला है। और इसे भी 2 मिनट तक भून लें, उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। मैंने 2 मिनट तक इसे भून लिया है और अब मैं फ्राई की हुई मशरूम को इसमें डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ ताकि मसाले मशरूम के अंदर एडजस्ट हो जाए। इसे भी मैं 2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह से मशरूम के अंदर घुस जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी हमेशा कोई भी सब्जी बनाएं उसमें गर्म पानी ही डालें, इससे सब्जी जल्दी गल जाती है और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो आप ठंडा पानी ना डालें। अब मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसे मैं ढक देती हूँ। मशरूम करी बन चुकी है और अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे ठीक से मिला लेती हूँ। ये बन चुकी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।